लेकिन कुर्बान जाए रब की रहमत तक अपने की मुकद्दस बारगाह कि जब आपसे आजम नमाज में पढ़ाता है तो ऐसा नमाज था है कि बरेली में आला हजरत का बेटा होता है जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत मुतवा अदा कहती है और जिक्र याद करता है मुफ्ती आजम लीग के नाम से। लेकिन जब आशिकीन तस्करा करते हैं तो इस अंदाज में करते हैं। मतलब ये परसों की तारीख 24 थी, कल की तारीख 25 थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपका फासला बस सिर्फ चंद कदम की दूरी पर था बरेली शरीफ से। अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब वहां जितने थे उनको भी और यहां जितने भी हैं इनको भी वैसे ही देख रहे हैं जैसे बरेली में आने वाले दुनिया भर के जाहिर से मुस्लिम हाजिर थे वैसे ही वक्त आला हजरत में शिरकत करने वाले शहर जाएंगे को भी वैसे ही देख रहे हैं। जभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब वफादार आला हजरत जब याद करते हैं तो ऐसे करते हैं कैसे। अरे लल्ला हम पैदा ही हुए हैं सिर्फ तकलीफ देने के लिए। समझ रहे हैं बस उस छोटे से बच्चे की सबसे बड़ी करामत यह है कि अपने घर में नहीं अपनी चौखट पे बुला करके अपनी तारीफ उससे करवा दी जिसने ये कहा कि अब ये क्या करेगा। अरे उसने तो एक तारीख रकम कर दी है कयामत तक के लिए। उस साथ की इस तारीख को फरामोश नहीं कर सकता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो क्या लगना है इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। इस वक्त का खड़े होकर के नारा लगाने का मकसद ये था जिस खूबसूरती के साथ हम सब कुछ जोड़ के रखा है और सैयदना सरकारे आला हजरत की चौखट से जाकर के मिला है। हम अपने आप को वहां पर नहीं बल्कि यहां पर खड़े होने के लिए मजबूत। अब लगे अल्लाह सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की बारगाह में हम शबी है वैसे नहीं मादर साथ वली कामिल थे। समझ रहे ना मादर साथ जिस उम्र में बच्चे को ये पता नहीं होता है कि ये बाप की गोद है या माँ की गोद है उस उम्र में आपके मुकद्दस शेख सरकार नूर माहिरवी ने सब कुछ अता फरमा दिया था कि ऐसी मुकद्दस जात है जैसी जात है वैसे ही आवाज होनी चाहिए। और हम हमेशा कहते हैं अल्लाह कि ये बरेलवी ही नहीं ये बरेलवी नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन। उनके लिए तो बहुत 10 साल पहले मैंने मिसाल पेश की थी अब सूरत तो सूरत छन्नी भी बोले तो बस फलक निकाफ बिल्कुल नारा होना चाहिए और अपनी आवाज यहां से बरेली शरीफ मरकज़े अहले सुन्नत वल जमात हम सभी है वासे वक्ते आज़म वक्ते आज़म हम सभी है वासे वक्ते आज़म वक्ते आज़म हम सभी है वासे वक्ते आज़म वक्ते आज़म नबी ने कादरी दिल की अता तहरियों से इस मुकद्दस बाबरकत बाफैज मिंबरे नूर पर जितने भी उलमाए सभी एहतराम रंद फरोज हैं इनकी आमद पर भी शुक्रिया अदा करता है और आप सब लोगों ने जो शब रोज मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह और ऐसी पुरभार बाबरकत मुस्तजाब महफिल का अनुवाद किया है आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह। ये फकीर बाबरी मशायख वसौल शरीफ का अदना से चारों कश होने की हैसियत से खिदमत में बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता है। हुजूर